नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोरोना वायरस हो गया है। उनकी कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि उन्होंने 15 मार्च को ही थेमकरण में एक रैली में हिस्सा लिया था। रैली में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। उनके साथ दर्जनों नेता और सुरक्षा कर्मी मंच पर थे। रैली के बाद उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। दरअसल सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं सभी को सूचित करना चाहूंगा कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है और प्रोटोकॉल के अनुसार मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए हो, मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो खुद को आइसोलेट कर ले और कोरोना टेस्ट करा ले। आपको बता दें, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 24,492 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,09,831 हो गई। देश में लगातार छठे दिन 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 131 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,58,856 हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और अभी 2,23,432 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.96% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 1,10,27,543 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मरीजों की ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है और वो 96.65% है। वही कोविड-19 से मृत्यु दर 1.39% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 131 लोगों की वायरस से मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 48, पंजाब के 27 और केरल के 11 लोग थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।